कर्लासमध्ये मित्रांनो दुसऱ्या दिवसातील शेवटचा सामना आता सुरू होण्यास सज्ज झालेला आहे मित्रांनो कारण क्षेत्रक्षक आपल्या आपल्या जागेवरती पोचलेले आहेत फलंदाजसुद्धा खेलपट्टीकडे गेलेले आहेत अर्थात त्याचं नाव आहे पुन्हा एकदा आपण पाहतोय तीच जोडी मित्रांनो निहाल आणि सौद पटेल कमालीची फलंदाजी केलेली आहे मित्रांनो निहाल याने आपल्याला विलेज टू विलेज सामन्यामध्ये तीन सामन्यांना सामन्यामध्ये त्यांनी चौऱ्याऐंशी धावा ठोकलेल्या आहेत मित्रांनो तर सौदसुद्धा कमी पडलेला नाही आहे समुदने दोन सामन्यामध्ये छत्तीस धावा त्याच्या नावावर सुद्धा नोंदवले गेलेले आहेत अर्थात खऱ्या अर्थाने हा दिवस पूर्ण गाजवला आहे तो म्हणजे निहाल सऊद आणि फहाद याने त्यांच्याकडनं चांगली फलंदाजी नेहमीच अपेक्षित असते कारण वहूरच्या जुईच्या मैदानावरती जेव्हा सत्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तर धावांची गरज होती तेव्हा चौऱ्याहत्तर धावा ठोकणारा हा फलंदाज आहे मित्रांनो तोच निहाल पहिल्याच षटकातील पहिल्या चेंडूला सामोरं जातोय हा सुरेख चेंडू काय अप्रतिम असा चेंडू टाकलेला होता मित्रांनो कौतुक करावा लागेल याचं खरंच चांगली गोलंदाजी सुरुवात चांगली झाली कारण बाईच्या स्वरूपात एक धाव निश्चित मिळालेली आहे परंतु सुरेख असा मारा होता भन्नाट वेग सुद्धा या खेळाडूकडे आहे चांगलं गती परिवर्तन सुद्धा करण्याची क्षमता या खेळाडू या गोलंदाजाकडे आहे मित्रांनो अडनान टू निहाल पंचांच्या उजवीकडून आता मात्र आपण पाहतो या ठिकाणी हाफ ट्रॅकर चेंडूवरती लेगच्या दिशेने खेळला आहे नो हां डिक्लेअर एक धाव डिक्लेअरच्या स्वरूपात मिळते या दोन सॉरी दोन धावा डिक्लेअरच्या स्वरूपात मिळतात अर्थात या दोन धावेने धावसंख्या पोचते ती म्हणजे तीन या धावसंख्येवर आतापर्यंत नक्कीच गोलंदाजाला यश या ठिकाणी मिळालं आहे कोणताही फटका मोठा फटका मात्र निहालच्या बॅटमधून निघाला नाही पूर्वीच्या सामन्या जर आपण बघितले तर प्रत्येक सामन्यामध्ये निहाल याने मोठ्या फटक्याने सुरुवात केली होती आणि आता मात्र नक्कीच माझा आवाज त्याच्यापर्यंत पोचला आहे आणि अभी बी टायगर जिंदा हा तो दाखवून देतो आहे अर्थात मी दिवसभरात खेळलो मी थकणार नाही थांबणार नाही हे त्याने दाखवून दिलं आहे एक सुरेख फटका लॉफ्टेड शॉट कवरच्या दिशेने चेंडू जातोय थेट सीमारेच्या पलीकडे सहा धाव्यांसाठी अशा या सहा धावेने मित्रांनो वाढती धावसंख्या वेगाने पुढे सरकलेली आहे ती म्हणजे नऊ या धावसंख्येवर पुन्हा खराब चेंडू होतं फुलटस पद्धतीचा चेंडू कवरच्या दिशेने पुन्हा एकदा मारायचं होतं परंतु या ठिकाणी नक्कीच थोडेसे मनसुबे उद्ध्वस्त केले अर्थात हा तोला स्लोवर पद्धतीचा सुद्धा चेंडू होता वेगाने आला असता तर नक्कीच चांगला फटका मिडल करता आला असता निहाल आला परंतु एक धावेवर समाधान मानावं लागतंय स्ट्राइक रोटेट होते आणि या एके धावेने मात्र धावसंख्या दोन अंकामध्ये पोहोचलेली आहे ती म्हणजे दहा या धावसंख्येवर षटक क्रमांक पहिला सुरू आहे नक्कीच आपण पाहतो या ठिकाणी कर्णधार काय चाणक्य नीती आखताना अर्थात गोलंदाजाला नक्कीच काहीतरी काणमंत्र देतोय की तुला कशा पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल काय क्षेत्रक्षणामध्ये तुला बदल हवाय ते सांग आम्ही सज्ज आहोत परंतु गोलंदाजी मात्र नक्की या सामन्यामध्ये टिचून करावी लागेल नेत्रदीपक अशी कामगिरी अपेक्षित आहे तुझ्याकडून कारण तो आमच्यामध्ये आयकॉन खेळाडू आहे आणि नक्कीच आपण आयकॉन खेळाडूकडनं नेहमी चांगली अपेक्षा बाळगत असतो मित्रांनो या ठिकाणी आदनानेच पहिले आपल्या चार चेंडूमध्ये मात्र दहावा खर्च केला ते म्हणजे दहा पुन्हा फुलटस पद्धतीचा चेंडू चांगला शेतरक्षण एकदा या ठिकाणी पूर्ण करतोय थोडीशी नक्कीच मित्रांनो ही रिस्की अर्थात डेंजर धाव होती थ्रो थ्रोसुद्धा केलं होतं चांगलं क्षेत्रक्षणसुद्धा झालं होतं परंतु नशिबाची साथ मात्र सौ पटेलच्या बाजूने गेली आणि अशा तऱ्हेने एक धावा अगदी सहज पूर्ण केले या एक धावेने पहिल्या षटकाच्या पाच चेंडूपर्यंत अकरा धावा धाव लागलेलं आपल्याला दिसताना पुन्हा हाफ ट्रॅकर चेंडू पुन्हा हावातबाट फिरवली चेंडू जातोय थेट श्री शॉर्ट मिटच्या दिशेने आणि त्या ठिकाणी मात्र फलंदाज निहालला ला परतावा लागत वडवली शायनी बॉयझ संघाला बसलाय निहालच्या स्वरूपात निहाल चा नक्की चांगली फलंदाजी दिवसभर करत आलाय मित्रांनो आता मात्र त्याची जागा सांभाळण्यासाठी घेण्यासाठी मैदानावरती अवतरित झालाय निखिल धार्वे मॅन फ्रॉम सर्वा एक शतकाची नोंद मित्रांनो या फलंदाजाचेकडे कडे आहे अर्थात विभागीय सामन्यामध्ये त्याने चांगली फलंदाजी केली होती तसच तो फॉर्म त्याला या ठिकाणी आपला टिकवावा लागेल सर्वात चषक मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं होतं मित्रांनो यांनी एव्हन नांदगाव विरुद्ध चांगली धडाकेबाज अशी फलंदाजी केली होती आणि अंतिम सामन्यामध्ये विजेता याचा संघ ठरला होता मित्रांनो जय हनुमान सर्वा सातत्याने चांगली कामगिरी नक्कीच त्याच्याकडून अपेक्षित असते या ठिकाणी मोठ्या संघामध्ये त्याची वर्णी लागलेली आहे आणि त्याला वनडाऊनच्या पोझिशनला फलंदाजीला सुद्धा पाठवलंय हो संघ नायकाने हा सुर्र एक फाटका एलिगंट ड्रायव्ह म्हणतात याला मित्रांनो नजाकत आणि ताकद चांगला मिश्रण चेंडू जातोय थेट सीमाच्या पलीकडे सहा दाव्यांसाठी अशा या सहा दाव्या षटकाराने स्वागत केलंय सिद्धू याचा नवज्योत सिंग सिद्धू मित्रांनो नेहमीच म्हणत असतो ठोको आली परंतु या ठिकाणी त्याच सिद्धू मात्र एक षटकार ठोकलेला आपण पाहिलात मित्रांनो कमबॅक करावा लागेल आणि नक्कीच त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे मागील सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं मित्रांनो प्रत्येक चेंडूवरती काही ना काही त्यांच्याकडून बदल पाहायला मिळाला होता आता मात्र खरं अर्थाने या मॅचमध्ये त्यांना अशी गरज आहे गोलंदाजीची काय बलद बदल होईल गोलंदाजीमध्ये टप्प्याचा चेंडू सुरेख चेंडू नक्कीच खेळून काढलाय थर्डमॅनच्या दिशेने शॉर्ट थर्डमॅनला चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेलाय एक धावीची भर धावसंख्येत पडते आणि अशा तऱ्हेने या एकने धावसंख्या वाढते अठरा या धावसंख्येवर पोहोचलेली आहे एक गडी बाद अठरा धावा चांगला कमबॅक म्हणावा लागेल सिद्धू सरांचा पुन्हा सिद्धू सर होता हा सुर्रेक मारा अशाच प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित आहे जर नक्कीच मोठ्या फटक्यापासून या खेळाडूंना वंचित ठेवायचं असेल तर अशाच गोलंदाजीची नित्यांत गरज आहे संघाला एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतं निखिल धारवे याला निखिल ने या एकेरी धावे ने आपला खाता सुद्धा उघडला आता खराब चेंडू समाचार घेत आहे लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय सीमा रे शा खणखणीत चौकार मित्रांनो वेगाने पुन्हा एकदा पुढे सरकले आहे दोन चेंडू मध्ये चांगली गोलंदाजी परत परतले होते कमबॅक केलं होतं सिद्धू सरांनी परंतु पुन्हा एकदा खराब चेंडू आणि त्याचा मात्र नक्कीच समाचार घेतलाय अर्थात चांडू चांगल्या चेंडूला सन्मान सुद्धा दिलाय हा पुन्हा सुर्र एक चेंडू आणि यावेळेस मात्र पायची फलंदाज सौद पटेला परतावा लागतंय ताहिर दलवी यांना मी विनंती करतो कुठे असतील त्यांनी त्वरित समर्थन कक्षामध्ये येऊन जलालभाई दलवी यांच्याशी भेट घ्यायची आहे ताहिर दलवी ताहिर दलवी जहा काही बी हो बिलकुल व्यासपीठ आ के जलालभाई से राबता करे नक्कीच चांगला कमबॅक मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं आहे सिद्धू सरांकडून पुन्हा एक विकेट माघारी परतलं अर्थात सऊद पटेल ज्याचं नाव आहे मित्रांनो सऊद पटेल आणि फहाद आणि निहाल हे तीन असे फलंदाजाने त्यांनी आजच्या दिवसभरात धावांचा ओघ पाऊस पाडला आहे मित्रांनो आता दोन मात्र नक्कीच विश्रांतीसाठी दगाऊटमध्ये पोचलेले आहेत आता आणखीन एक फलंदाज आपल्याला मिळवावा लागेल नक्कीच एक चर्चा झाली आहे एक सार्थक चर्चा नक्की झालेली असेल की सिद्धू सर आता तुम्हाला फक्त फहादला सुद्धा माघारी पाठवायचा आहे हा सुरेख फटका दर्जेदार फटका आणि चेंडू जातोय ट्रॅव्हल करतोय सीमा रेषा पार डी पॉईंटच्या दिशेने चार धावेंसाठी अशा या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहतोय सत्तावीस धावडी बाद सत्तावीस धावा चला मॅचला थोडी घाई करा तो आए हुए तमाम शायक क्रिकेट का दोस्तों मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी की जानब से फिर से एक मरतबा स्वागत करता हूँ और अपनी राष्ट्रीय भाषा अर्थात तो हिंदी में आप मेरे माध्यम से मैं आप तक का इस मैच का आँखों देखा हाल सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ चलिए दूसरे दो ओवर की समाप्ति पर हमने देखा था रनों की संख्या थी सत्ताईस तीसरी ओवर की पहली गेंद पर सिंगल आया और सिंगल के साथ रनों की संख्या को पहुँचा दिया अट्ठाईस रनों पर उसी तरह से यहाँ पर फारूक भाई गजाली भी आए हम उनका भी इस्ते करते हैं हाथ धीमी गति की गेंद थी देखा पर का बैट का फेस खोला वहां परले की दिशा में अच्छी फील्डिंग हमने देखी दोस्तों सिद्धू सर की हालांकि कैच होना चाहिए था क्योंकि काफी समय था लेकिन यहाँ पर कमाल की फेंकी और निखिल धार्वे को रन आउट कर दिया है दोस्तों बहुत ही बढ़िया फेंकी दोस्तों यानी कि कोई उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों सौ रुपये कूपन में आप ये स्पोर्ट्स बाइसिकल और बिल्कुल वॉशिंग मशीन देकर अपने घर वालों को अपने होम मिनिस्टर को खुश कर सकते हैं दोस्तों तो अच्छा मौका है किस्मत को आजमाने का नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी ने ये आपके लिए यह सुनहरा मौका दिया है तो बहुत ही बढ़िया फेंकी की यहाँ पर एक रन पूरा हुआ दूसरे रन के लिए रनआउट हुए एक रन मिलेगा इस एक रन के साथ उनतीस रन बहुत ही बढ़िया फेंकी थी सर की दोस्तों बचपन में कंचे खेले हो गए जरूर उधर उधर देखिए मैदान में जो बच्चे वहां पर खेल रहे इलियास इलियास समझ गए जलाल भाई दलवी के इशारे को समझ गए बच्चे आहा, पर अच्छा स्ट्रोक और बढ़िया कैच कमाल का कैच अद्भुत कैच नासर द्वारा दोस्तों पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से खिताब से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया था दोस्तों उसने दिखा दिया है कि पुलिस इलेवन में मेरी वर्नी क्यों लगी है मुझे क्यों आइकॉन के रूप में की गेंदबाजी अदनान हो सिद्धू हो या अभी अभी आए हुए समीर सर द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर इसी तरह की गेंदबाजी रही समीर सर तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि टुडेज बिग ब्लो हो सकता है अर्थात तो आज के दिन का बड़ा उलट फेर हो सकता है कि कम से कम स्कोर में रोकना होगा शाइनी बॉयज वडोली को एक मुश्किल लक्ष्य होगा लेकिन दोस्तों पुलिस वाले हैं सभी को पता है दोस्तों हमारे वीर सैनिक है ये की वर्दी के ये दूत है दोस्तों और आज जो मैदान में होए बिल्कुल वो अपने आप को पूरी तरह से झोंक रहे दो दो हाथ करने के लिए तैयार है शाइनी बॉयज वडली के सामने हवा में गेंद और अच्छा कैच कमाल के विकेट प्राप्त किए सर आपने पुलिस इलेवन ने जोरदार टालियां होनी चाहिए इन गेंदबाजों के लिए देखिए रन पर सऊद को आउट किया था ग्यारह रन पर निखिल को आउट किया था एक रन पर फहद को आउट किया था पांच रन पर अभी अभी हमने देखा कि साइमन को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया दोस्तों ये आज की बड़ी उपलब्धि है पुलिस इलेवन के लिए सन्माननीय लक्ष्मण मेंदारकर साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांचा सुद्धा आम्ही स्वागत करतो आणि त्यांना सुद्धा विनंती करतो की या व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे अस्वस्थ व्हायचं आहे तो दोस्तो पर अब रनों पर आकाल परा है दोस्तों रनो में जैसे बेडिया दी हो जिस तरह से एक कैदी को जकडा जाता है ना बिलकुल उसी तरह से दोस्तों पुलिस पोलिस ने इन बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है दोस्तों कमाल की गेंदबाजी समीर सर द्वारा हा बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग देखिए जल्द विकेट लेने के प्रयास में फवाद भाई के हाथों से गेंद छूटी दोस्तों लेकिन कमाल की गेंदबाजी समीर सर के लिए टालियाँ होनी चाहिए बजनी चाहिए दोस्तों कमाल की गेंदबाजी देखे कोई केवल तीन रन दिए और अगर फौवाद भाई वो गेंद को सफाई से हड़ाते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि केवल दो रन मिलते थे इन तीन रन में उन्होंने दो विकेट भी प्राप्त किए और अपने मैच में इस टीम को दोबारा लेकर आए दोस्तों तीस रन केवल स्कोर हो चुका है तीन ओवर की समाप्ति पर आखिरी ओवर यानी कि छह गेंदे बची हुई है अस्तित्वाची लड़ाई है मित्रों शाहू नासर बल्लेबाजी के क्रम पर देखना है क्या पूरे अपने चरम पर हो गए गे। जबकि गेंदबाज है गेंदबाज है और बल्लेबाज आसीम और मुस्तकीम है तीस रन पांच विकेट के नुकसान पर दोस्तों कमाल की गेंदबाजी रही है पांच विकटें चटकाई है हालांकि ऐसा बहुत ही कम हुआ है शाइनी बॉयज़ की टीम अच्छे अच्छे गेंदबाजों ने जिन बल्लेबाजों को आ, आ, आउट करने में असक्षम रहे थे वहां पर कमाल की गेंदबाजी हुई दोस्तों बहुत साहस दिखाया मैं तो कहूंगा गेंदबाजों ने अगर अदनान की बात की जाए तो अदनान की ओवर में ग्यारह रन आए थे उसके बाद सिद्धू के ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे लेकिन वापस ही की है दोस्तों कमाल की समीर ने और इस बार एक रन मिलेगा यहाँ पर दूसरे रन की पुकार लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को रोका एक रन का इजाफा होगा इस एक रन के साथ इकतीस रन पांच विकेट के नुकसान पर जब मैच शुरू हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होगा लेकिन अब यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है लेकिन आखिरी ओवर ओवर में जितने कम रन आएंगे मुझे ऐसा लगता है कि यह मुकाबला रोमांचक होगा अगर आखिरी ओवर में इन दो बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की तो फिर पुलिस इलेवन के लिए मुश्किल होगा देखा ना यहां पर बढ़िया कैच कमाल का कैच लिया यकीन मानिए अद्भुत कैच इतना हेवी होट वेट होने के कारण देखे अपने आप को तो अद्भुत कैच ऐसे बहुत ही कम कैच आपको देखने को मिलते हैं वाकई में प्रशंसा करनी होगी दोस्तों तारीफ करनी होगी इन सभी खिलाड़ियों की हेवी होड़, वेट होने के कारण पीछे जाना आसान नहीं होता है दोस्तों लेकिन कमाल का कैच ये जोश होना चाहिए दोस्तों ये आपके अंदर उत्साह होना चाहिए ये प्रतिभा होनी चाहिए कि हमको हमारे दिए हुए कार्य में सक्षम होकर अपने आप को झोंकना है और यहाँ पर कमाल हो रहा है देखिए छ विकेट कोई है शाइनी बॉयज वडोली ने और केवल रन है इकतीस नासर लंबे रनअप के साथ तीरछा रनअप है नासर का हा यहाँ पर एक एक रन बहुत ही कीमती है ये तो फवाद भाई बखूबी जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये रन रुकना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है दोस्तों शाइनी बॉयज वडोली के पास इसमें कोई दो राय नहीं सऊद पटेल के सामने आपको बल्लेबाजी करनी है और उनके अंदर वो ताकत है दिन भर में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो दोनों ही में नुमाया कामगिरी की है तो यहां पर एक रन और आता हुआ बत्तीस रन तीन गेंदे हो चुकी है ना सर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हाँ इस मरतबा बिल्कुल ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर रखा गेंद को सीधे बल्ले से खेला था वी में और अच्छा क्षेत्र रक्षण मिडान पर खड़े खिलाड़ी का केवल एक रन देखिए इन आने वाले दो ओवर ने तो इस मैच का रुख ही पलट कर रख दिया दोस्तों शुरुआती दो ओवर की बात की गई थी हमने बताया था कि इकतीस रन बने थे पहली सत्ताईस रन बने थे पहली दो ओवर में लेकिन अब ये चौथा ओवर घट रहा है चौथी ओवर की चार गेंदे हो चुकी है केवल रन है तैतीस फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर और गेंद निर्दाव लेकिन फिर से एक मरतबा देखे यहां पर एक रन का और इजाफा होगा बाईस की सूरत में फवाद भाई को मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी करे फवाद भाई गेंद को गैदर तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जज्बा एक अति उत्साह जिसको कहते हैं ना वो उनके अंदर नजर आ रहा है दोस्तों इमोशन ब्रिंग आउट यू बेटर इमोशन जज्बात होना चाहिए लेकिन अगर ज्यादा हो गए अब जज्बाती तो इस प्रकार के रन शायद विरोधी टीम को मिलेंगे इस मरतबा हाफ शॉट हवा में गेंद और इंतजार किया गेंद का और गेंद खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकल गई चार रनों के लिए ये चार रन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि चार के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ी है अड़तीस अब उनतालीस रनों का दोस्तों सुनने में तो रन बहुत ही कम लग रहे हैं लेकिन पोलिस इलेवन के सामने यह बडी चुनौती होगी दोस्तों दि टारगेट को पार करने में यह बहुत ही सक्षम हमारे शूरवीर है दोस्तों शूर सैनिक है हमारे देश के इसमें कोई दो राय नहीं आज पर समीर सर तुमच्या समोर एकोणचाळीस धावांचा उद्दिष्ट आहे खऱ्या अर्थाने एकोणचाळीस धावा जास्ती एक माफकच आव्हान मानावं लागेल परंतु त्या माफक आव्हानांचा पाठलाग करताना तुम्हाला कशा प्रकारे या सामन्यामध्ये संघर्ष करावा लागेल स्वतःला झोकून द्यावा लागेल झटावं लागेल कारण सहजासहजी हा सामना तुम्ही जिंकूच शकत नाही आहे मला तरी असं वाटते कारण मागील सामन्याबद्दल आपण बोलायचं झालं तर सत्तावीसवर ते आपल्याला रोखलं होतं संघाने आता मात्र तुमच्यासमोर एकोणचाळीस धावांचा उद्दिष्ट आहे समोरी संघ संघसुद्धा तितकाच बलाढ्य आहे परंतु या जगामध्ये धाडस दाखवल्याशिवायशिवाय माणसाला किंमत मिळत नाही आहे मित्रांनो काहीही साध्य करायला नक्कीच तुम्हाला स्वतःला ते धाडस दाखवावं लागेल ते साहस दाखवावं लागेल तेव्हाच तुम्हाला यश मिळेल आणि जेव्हा तुम्ही हिंमत दाखवतो ना त्याच माणसाला मित्रांनो किंमत मिळत असते तर तो थोडी हिंमत दाखवावी लागेल कदाचित आज आजच्या दिवसातील हा मोठा उलटफेर असू शकतो कदाचित सांगता येत नाही मित्रांनो कारण कोणालाही कमी लेखू नका अर्थात दिवस हे सर्वांचे असतात कोणी गाजवलेले असतात कोणी गाजवत असतो तर कोणी गाजवणारा सुद्धा असतो आपण नक्कीच आशा बाळगूया की या, का या सामन्यामध्ये काहीतरी उलट एक मोठा उलटफेर पाहायला मिळेल परंतु मला वाटत नाही आहे तितका सोपं कि किंवा तितका सहज हा लक्ष असेल पोलीस या संघासाठी मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये या सामन्यामध्ये आजच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये काय घड्यामोड्या घडतील हे सांगण्यासाठी या सामन्याचा धावता समर्थन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा विनंती करतो आमच्या साथी, साथी समालोचक भाई रिफाई यांना ओवर टू मुदस्तर सर धन्यवाद मुश्ताक अफराद एक बुलंद आवाज आपण पाहत होतो मुरुड तालुक्यातला तर मित्रांनो आपण बोलूया आता सामन्याकडे चलते हैं मैदान का रुख करते हैं जहां पर पुलिस इलेवन की टीम खेल रहे और अड़तीस रन का जो लक्ष्य है देखना होगा कि ये अड़तीस रन बनाने देते हैं ये टीम शाइनी बॉयज़ की पहली गेंद यहां पर सऊद की ख़राब गेंद एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर एक रन आया और जैसा कि आपको बताता चलूं कि सत्रह रन बनाए थे उस वक्त झुंझ रही थी ये टीम अब अड़तीस रनों का लक्ष्य है और अड़तीस रनों का लक्ष्य क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इसीलिए अनुमान लगाना हमारा काम है लेकिन होगा वो सामने इधर डाउन सिंग डाउन द विकेट बल्ले का और गेंद का तालमेल नहीं होता हुआ औम से बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ खाने गिरने की कोशिश की और बाल बाल बचे बल्ले का कोई हिस्सा नहीं लिया और बिंदी गेंद जाती हुई यहाँ पर हालांकि आपको बताता चलूँ कि चौबीस गेंदे और अड़तीस इस मैदान पर अगर देखा जाए तो एक आसान लक्ष्य कहा जाएगा लेकिन इस लक्ष्य को पार करने के लिए झूझना पड़ेगा अच्छी गेंद यहाँ पर सम्मान पूर्वक खेला है पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर एक ही रन मिलेगा और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को हालांकि आपको बताता चलूं कि मैंने कहा बाद में भी आपसे बताया कि कल सुबह से जो मैचेस आपको देखने को मिलेंगे आईपीएल फॉर्मेट शुरू हो चुका है दोपहर के बाद में लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए और बड़े बड़े खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे कल तो सुबह साढ़े नौ बजे पहली गेंद डाली जाएगी उसके बाद में एक क्वार्टर फाइनल का राउंड भी रह गया था हमारा पहले दिन का अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक होल की गेंद की कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला खिलाड़ी आते फील्ड करके थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन को अपने पॉकेट में डालने में कामयाब है तो वो मैच का जो मैं अनाउंसमेंट करूँगा वो मैच कल दोपहर दो, दो बजे का रखा गया है लॉर्ड्स के हिसाब से तो वो मैच था अजान आयान इलेवन मानगाव वर्सेस अफजल इलेवन महाड़ का वो क्वार्टर फाइनल का एक राउंड है विलेज टू विलेज का लेकिन साथ ही यहाँ पर एक रन में पॉइंट के क्षेत्र में ढकेला अंपायर का इशारा आता हुआ वन रन एक रन डिक्लेयर के रूप में दो रन माफ़ करना दो रन डिकलेर के रूप में मिलते हुए तो वहाँ पर दो रन रखे हुए इसी के साथ दो रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए स्कोर जा पहुंचा है पांच रन पांच रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं दोस्तों और अभी दिल्ली बहुत दूर है अड़तीस रन बनाने हैं लेकिन अगर विकेट नहीं खोया है, तो कुछ ना कुछ काया पलट होगी कुछ ना कुछ उलट फेर जरूर देखने को मिलेगा इस बार फिर एक बार शॉट दो खिलाड़ी के बीच से गेंद को निकालना चाहते थे पॉइंट और एक सक और के पॉइंट के बीच से गेंद को लेकिन वहां पर फील्डिंग बहुत अच्छी होती हुई सलमान खड़े थे कोई गलती नहीं की सलमान ने गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया वहां पर आप देख सकते हैं दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लेने का मौका मिला अब एक ही रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा है छः रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का इरादा था गैप में ढकेलना चाहते थे गेंद को बल्ले का और गेंद का कॉन्टेक्ट का नहीं हुआ और गेंद यहाँ पर बिंदी जाती हुई पहली ओवर की समाप्ति होती हुई पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगती हुई छः जैसे कि मुश्ताक भाई ने कहा था कि अड़तीस रन जो बनाए है ये आपको झूंझना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा इसको जीतने के लिए और बिना लड़े संघर्ष किए आपको कोई मंजिल नहीं मिल सकती दोस्तों इसके लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर बल्ले को बल्ले का मुँह खोलना होगा बल्ले से गेंद को सीमा बाउंड्री के बाहर डालना होगा दोस्तों कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता दोस्तों आपको लड़ना होगा दोस्तों और लड़के दिखाओ यहाँ पर तो अब शाइनी बॉयज ने जो आखिरी गेंद पर चौका लगा था निश्चित रूप से सलमान के बल्ले से मैंने देखा वो चौका बहुत ही बढ़िया वहाँ पर लेकिन वो महत्वपूर्ण रन होते हैं जो स्लॉग ओवर की आखिरी गेंद पर आते हैं लेकिन वो रन चौक चार रन के इससे गिने नहीं जाते वो पाँच रन के इससे गिने जाते हैं कंपल्सरी चेसिंग होती है अगर आप अड़तीस रन बनाते हैं तो उनचालीस रनों का लक्ष्य हो जाता है तो एक बड़ा शॉट्स काफी मायने रखता है आखिरी गेंद पर क्रिकेट में दोस्तों और अट्ठारह गेंदे अब तैतीस रन उल्टी गिनती यहाँ से शुरू कर देते हैं दोस्तों इस बार बल्ले पर गेंद नहीं आए लेकिन बल्ला काफी तेजी से घुमाया था यहाँ पर इरादे स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज कि आपकी बार हवाई, हवाई बार तो यहां पर देखना होगा कि हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन बिंदी गेंद जाती हुई बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल नहीं आपने देखा विकेट कीपर निहाल के दस्तानों में जाती हुई गेंद बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई जब बिंदी गेंद जाएगी बल्लेबाज पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बत, बनता रहेगा यह दबाव को खारिज करने के लिए बल्लेबाज को छक्का या चौका लगाना होगा पता था चलो सेकंड ओवर जारी है फिर एक बार हवाई फायर क्या होगा क्या ये गेंद यस नो डाउट कॉमेंट्री बॉक्स को सलामी देती हुई मेरी आवाज़ बल्लेबाज ने सुनी और कान मंत्र को सुना भेज दिया कॉमेंट्री बॉक्स पर बहुत ही बढ़िया छक्का था इसे कह सकते हैं कि निश्चित रूप से प्रहार करना अब यस नो डाउट दिया अब यह बात तो यहाँ दर्शाती है इस छक्के के साथ आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है अगर ये दो बल्लेबाज टिक गए बल्लेबाजी करते वक्त यहां पर के रूप में एक रन मिलेगा और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा चेंडू पली कड़े गए पीछे गया है वॉलेंटियर्स वहां बैठे वॉलेंटियर्स यहां पर एक रन मिला इस एक रन के साथ स्कोर दोहराना चाहूंगा तेरह रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अड़तीस रन और ये तेरह रन अभी भी यहाँ पर देख सकते एक छक्के की मदद से आपको बताता चलू कि पहली ओवर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी सऊद ने लेकिन दूसरी ओवर में अपने बल्ले को खोला बल्ले के मुंह को खोला और एक छक्का ज़रूर जड़ा है काफ़ी कुछ निर्भय रहेगा इस दूसरी ओवर पर इस बार हवाई फायर करने का इरादा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फहद थे वहाँ पर एक रन चुरा लिया और दूसरे रन के लिए दौड़े दो रन आसानी के साथ पूरे करते हुए इस दो रनों के साथ रन संख्या दो से बढ़ती हुई चली गई पंद्रह रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए सलामी के बल्लेबाज में जैसा कि मैंने कहा कि झुंझ रहे अपने टीम को जिताने के लिए और संघर्ष कर रहे मेहनत ले रहे अपने टीम को जिताने के लिए यह बात ज़रूर दर्शाती है और हर एक खिलाड़ी को झूंझना होगा इस मैच को जीतने के लिए क्योंकि यह आई के फॉर्मेट का मैच है यहाँ पर आपको बताता चलू कि अगर यहाँ पर जीतोगे तो कल खेलने का जरूर मौका मिलेगा दोनों टीमों के पास इस बार का ब्लॉक होल की गेंद क्रिकेट का ब्रह्मा से यहाँ यूज़ करते हुए लेकिन कारपेट के सहारे खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी सऊद वहाँ से आते फील्ड करके थ्रो करते एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को इस एक रन के साथ हर गेंद पर आप स्कोर इसलिए बताता हूं दोस्तों क्योंकि यहां पर उस तरह की सिचुएशन तेईस रन यहां पर आप देख सकते हैं 13 गेंदे शेष है बड़ा लक्ष्य नहीं है लेकिन दोस्तों लक्ष्य को पूरा करना होगा अब नहीं तो कब नहीं अब झूंझना होगा अब लड़ना होगा गेंदबाज को गेंदबाजी दिखानी होगी बल्लेबाज को बल्लेबाजी दिखानी होगी ऐसा नहीं लगा था मुझे कि आखिर मैच ऐसा होगा और इस बार अच्छी गेंद थी तो फुल टॉस गेंद खींच के निकाला है उस गेंद को वहां से फील्डर आते फील्ड करते थोड़े से फंबल हुए लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मौका नहीं लिया दूसरा रन चुराने का आपको बता था जो यहाँ पर दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है सत्रह रन सेवनटीन रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए अच्छा और अभी तक भी आपको ये गेंदे और बाईस रन चाहिए बारह गेंदे और बाईस रन अगर इस ओवर में भाई दस या बारह रन आते या दस रन आते मैच में बिल्कुल बने रहेगी अगर विकेट नहीं जाता क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज के पास वो क्षमता है वो काबिलियत है वो एबिलिटी है कि वो इस मैच को जीता सकते हैं अभी तक भी विकेट नहीं खोया यहाँ पर कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुई और दूसरी ओवर हो चुकी है लेकिन एक भी विकेट नहीं छटकाया और दोनों बल्लेबाज बखूबी ये जानते कि अगर हमारा विकेट चला गया तो निश्चित रूप से नैया पार नहीं हो सकती इसीलिए सूझबूझ और समझदारी के साथ क्रिकेटिंग खेल रहे यहाँ पर और इस बार देखिए गेंद वहां पर निहाल ने गेंद को पकड़ने की कोशिश की लेकिन एक रन डिक्लेयर के रूप में आता हुआ हम पार का इशारा हमारी तरफ आता हुआ एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ग्यारह गेंदे और इक्कीस रन की जरूरत इक्कीस रन चाहिए अभी भी ग्यारह गेंदों में एक बड़ा शॉट्स अगर आता है तो मैच थोड़ा रोमांचकारक होगा मैच में जान रहेगी दोस्तों और अगर चौका या छक्का लगेगा या विकेट जाएगा तो इस तरफ से यहाँ पर पकड़ मजबूत बना लेगी शाइनी बॉयज बडोली की टीम इस बार देखिए क्या है सलमान गेंद के नीचे कोई गलती नहीं और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ पहले विकेट का पतन हुआ और देख ही सकते आप मैंने कहा वैसा ही हुआ जैसा कि आप जान सकते हैं कि अगर विकेट गिरता है तो निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी हो सकती है लेकिन अब एक नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए नासर नासर ना लेफ़्ट शायद बल्लेबाज़ है नासर को अपॉर्चुनिटी रहेगी नासर अगर इस संधि का सोना करते हैं तो देखना होगा लेकिन दस गेंदे अभी शेष होगी और दस गेंदों में रन बनाने होंगे इक्कीस रन बड़ा लक्ष्य नहीं है लेकिन अच्छी गेंदबाजी अगर देखा जाए तो पोलिस इलेवन के जरिए कहा चा, कहना चाहूँगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी किए अच्छे अच्छे बल्लेबाज को बांध कर रखा जकड़ कर रखा मारने खुल कर मारने का मौका नहीं दिया और आखिरी मतलब चार ओवर में अगर 38 रन बनाते इसका मतलब ये हुआ कि जब से मैं देख रहा हूँ कि निहाल हो या सऊद हो या फिर फहद हो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सुबह से जो विलेज फॉर्मेट में खेले उसके बाद आईपीएल फॉर्मेट में खेले तो दोनों ने चमक छोड़ी अपनी छाप छोड़ी है बल्लेबाजी में निश्चित रूप से उन दोनों बल्लेबाजों पर कुछ ना कुछ दबाव होगा और इतना सुबह से खेला इस बार लेफ्ट बल्लेबाज को बुलाया गया था यहाँ पर देखिए गलती हो सकती थी लेकिन बाल बाल बचे और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हिट हुआ लेकिन तीन रन जरूर मिले यहाँ पर ओवर थ्रो का एक रन और दो रन दौड़ कर निकाले थे इस तीन रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई चली गई 21 रन 21 रन अभी भी नौ गेंद और 18 रन प्रति गेंद अगर देखा जाए तो दो रन की सरासरी है खिलाड़ी वहां पर थे और आप देख सकते हैं कवर के खिलाड़ी थे और गेंद को कलेक्ट करने के लिए आ गया आई थोड़ी सी मिस्टेक होती तो और एक रन जरूर मिलता था इसके ऊपर क्या ज़रूर छूटा था वहां पर लेकिन तीन रन मिले थे और अब नौ गेंदे शेष है अट्ठारह रन जीतने के लिए चाहिए क्या ये दोनों बल्लेबाज अपनी अपने टीम की नैया पार लगाएंगे क्या ये देखना होगा आखिरी मोमेंट वाला मैच आज के दिन का आखिरी मैच बहुत ही रोमांचकारक मैच आपको बताता चलू बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखिए इस बार हवाई फायर किया है गेंद कितनी ऊपर है ज्यादा दूर गई है सऊद गेंद के नीचे आते कोई गलती नहीं की यस बहुत ही बढ़िया कॉल किया था सऊद ने और वहाँ पर सऊद ने हाईटी बहुत लंबी दौड़ लगाई लेकिन और एक विकेट लेने में कामयाब हुई बल्ले का मिडल नहीं हुई गेंद और गज के दायरे के अंदर रही जहां पर और एक बैक टू बैक और एक विकेट आता हुआ आप देख सकते हैं अभी आठ गेंदे शेष होगी और आठ गेंदों में आपको रन बनाने होंगे गया अठारह आठ गेंदे अठारह रन अभी अब दूर जाते हुए अपने लक्ष्य से लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नासिर को कुछ करिश्माई पारी करना होगी अगर नासिर के बल्ले नासिर को मौका मिला है मौके का फ़ायदा उठाना होगा नासिर को अगर मौके का फ़ायदा उठा पाते हैं नासिर तो निश्चित रूप से ये मैच बन पाएगा लेकिन अगर ये दो गेंदे आने वाली दो गेंदे जो होगी आखिरी इस तीसरी ओवर की काफी कुछ निर्भय करेगा काफी कुछ डिपेंड करेगा इस दो गेंदों पर अगर ये दो गेंदे बिंदी गई तो निश्चित रूप से शाइनी बॉयज बॉयजिप पकड़ बना लेगी लेकिन अगर इस दो गेंदों पर एक बड़ा शॉट्स भी आता है तो मैच में बिल्कुल बने रहेंगे यही बात है दोस्तों सभी दर्शकों का सभी खिलाड़ियों का और यूट्यूब माध्यम से जो इस मैच का मजा ले रहे मैं उनका ना स्पोर्ट्स क्लब इनकी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे गेंद यहां पर लेग बाइस का इशारा आता हुआ और एक रन मिलता हुआ एक रन के साथ बाईस रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए सात गेंदे सत्रह रन सात गेंदे सत्रह रन चाहिए यह गें गेंद निर्णायक गेंद होगी इस ओवर की यह गेंद काफी कुछ निर्भय करेगा इस गेंद पर फहद क्या गेंदबाजी कर पाएगा इस आखिरी गेंद पर क्या कर पाएगा देखना होगा डांसिंग डाउन द विकेट फिर एक बार खेला है लेकिन यहाँ पर दो रन मिलते हुए उसको अभी भी मैच छूटा नहीं है अभी भी पंद्रह रन चाहिए और पंद्रह रन बन सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको छक्का चौका लगाना पड़ेगा और सीमा रेशा बाउंड्री के बाहर डालना पड़ेगा गेंद को छः गेंदे और पंद्रह रनों का लक्ष्य है अब पंद्रह रन बनाने हैं अभी भी बहुत ही बढ़िया शाम का वक्त होता हुआ सुहाना मंजर आप देख सकते हैं लेकिन साथ ही सुहानी मैच भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैच जीतना है दोनों टीमों टीमों के दरम्यान ये लड़ाई चल रही है यहाँ पर दोनों गेंदबाज गेंदबाज और बल्लेबाज की लड़ाई देख सकते हैं अपने टीम को जिताने के लिए चलिए निहाल ने गेंद को हाथ में लिया है यस yes, नो no डाउट निहाल ही गेंदबाजी करेंगे उनको पता है कि 15 रन मैं नहीं दे सकता इसलिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जताया है खुद के कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करेंगे निहाल बहुत ही अच्छा आज का दिन यहां पर जाता हुआ और शाम ढलती हुई देख सकते आप बिल्कुल छ गेंदे शेषे शे इस आखिरी दिन की और आखिरी दिन की छह गेंदों का खेल यहां पर बाकी रह गया है छ गेंदे, पंद्रह रन निहाल गेंदबाजी के लिए तैयार इस बार खेलना चाहते थे हवा में लेकिन एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा एक ही रन मिलेगा वहां पर और एक रन के साथ अब यहाँ पर एक एक रन से कुछ नहीं हो सकता पाँच गेंदे और चौदह रन भाई ने सही कहा था कि ये अड़तीस रन जो है इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा झूझना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी ये इतने आसानी से मुश्किल है ये छोटा लक्ष्य दिखाई देता है लेकिन बड़ा लक्ष्य हो सकता है और क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है शाइनी बॉयज़ बड़ोली के पास बहुत ही बढ़िया आज के दिन का खेल देखने को मिला और बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिले रो रोमांचकारक मैच देखने को मिले और कांटे के टक्कर के मुकाबले देखने को मिले उसी तरह से कल आखिरी दिन जहां पर आपको बताता चलूँ आई फॉर्मेट के मैचेस रहेंगे पूरे मैचेस आई फॉर्मेट में खेले जाएंगे कल इस बार खराब गेंद निहाल के से आती हुई अब बची हुई पांच गेंदे शेष है और तेरह रन चाहिए जीतने के लिए तेरह रन पांच गेंदे अगर दो शॉट्स बड़े आते हैं तो मैच पूरी तरह से टर्न होगा लेकिन अगर दो गेंद बिंदी आती है तो निश्चित रूप से शाइनी बॉयज़ बड़ोदी पकड़ बना लेगा लेकिन दो बड़े शॉट्स आने के बाद पुलिस इलेवन लेकिन अच्छा मैच और आखिरी मोमेंट वाला मैच बड़ा रोमांचकारक मैच ओहो इस बार जांच लिया था बल्लेबाज को सफल होकर खेलना चाहते थे वहां पर वाइड लाइन गेंदबाजी की और जहां पर गेंद को छोड़ना चाहिए था लेकिन वहां पर एक ही रन मिलेगा बची हुई गेंदे होगी अब चार और रन बनाने होंगे बारह चार गेंदे और बारह रन चार गेंदे और बारह रन कहाँ ना कहाँ फवास भाई सोच रहे होंगे कि ये गेंद छक्का जाना चाहिए लेकिन लीडिंग एज यहाँ पर देख सकते हैं अंबार की उंगली उठी और एक विकेट का पतन होता हुआ अब 45 नंबर पेन पहनकर राकेश सर जा रहे खेलने के लिए देखना होगा दो गेंदे तीन गेंदे शेष बची है और तेरह रन चाहिए बारह रन चाहिए माफ़ करना दो तो गेंदों में तीन गेंदों में बारह रन तो यहाँ पर तीन गेंदों का खेल बाकी है और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से रखता है कि गेंद को अगर पहली गेंद को अगर बाहर डाल दिया ना तो बड़ा मज़ा आएगा आखिरी मोमेंट तक चलेगा मैच लेकिन यहाँ पर निहाल को पता है किस तरह से गेंदबाजी करना चाहे अभी तक भी निहाल ने अच्छी गेंदबाजी की एक अच्छा ऑलराउंडर कहूँगा मैं क्योंकि बल्लेबाजी का नो डाउट सुबह से ये बंदा जो बैटिंग कर रहा था ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक हमारे यहाँ का एक जबरदस्त आईपीएल में खेलने वाला ये खिलाड़ी है यहाँ पर वाइट गेंद करार देते हुए अंपायर और यहाँ पर खामोशी चाहिए थी लेकिन खामोशी का इंतजार किया और उसके बाद अंपायर ने दोनों पहले बाहें फैलाई वर्जिश की और कहना पड़ा तीन गेंदे और ग्यारह रन तीन गेंदे और ग्यारह रन इस बार एक ही रन शायद से मिलेगा सऊद है वहां पर और दूसरा रन लेना भी नहीं चाहेगी लेकिन दो गेंदे और दस रन एक छक्का और एक चौका कंपल्सरी चेसिंग रखा गया है में आपको एक छक्का और एक चौका जरूर लगाना होगा तो फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं फील्डिंग में परिवर्तन जरूर होगा क्योंकि क्रिकेट में अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है तो वो सर दर्द माना जाता है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाद एक नेचुरली एंगल होता है बल्लेबाजी का अंपायर यस इट इज बिगी ए no क्या बात है एक बॉल चार रन का मैच मैंने कहा था लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए उनके पास एक नेचुरली एंगल है और अब अगर चौका लगता है तो कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ पर ख़राब गेंद थी और उसका समाचार लिया अब यहाँ पर सोचने पे मजबूर कर दिया है बल्लेबाज ने बल्लेबाज नासिर ने सोचने पर मजबूर किया है नो no डाउट निश्चित रूप से यह आखिरी मोमेंट वाला एक गेंद और चार रन चाहिए अब ये मुकाबला कड़ी संघर्ष करता हुआ झुंझ लेता हुआ अब करो या मरो परिस्थिति डू और डाई यहाँ करना होगा एक तो नासिर एक तो निहाल को करके दिखाना होगा अब देखना होगा कि फील्डिंग का क्षेत्र किस तरह से रहता है अगर यहाँ पर कामयाब होते हैं नासिर तो निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट दिखाया बहुत ही बढ़िया क्रिकेट दिखाया दोनों आखिरी गेंद चलिए मैच सीरियसली था और थोड़ा सा निहाल ने सबको खुश किया है कोई बात नहीं यार नासिर नो no डाउट <laughs> थोड़ा सा रन अप चुका रहेगा यार तो यहां पर मजा भी लेते और क्रिकेट इसी को कहा जाता है दोस्तों इसी को टालियो से स्वागत इस गेम का <laughs> <laughs> क्या हुआ मैदान में कुछ नहीं हुआ यहाँ पर शाइनी बॉयज़ जीत गई क्या गेम हुआ यहाँ पर न मैं कहूँगा कि शाइनी बॉयज़ जीती ना ही पोलिस जीती लेकिन यहाँ पर जीत भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की दोस्तों ये ऐसा मैच आखिरी मोमेंट में रहेगा यह मुझे ये नहीं था लेकिन नासिर ने कोई गलती नहीं की झाड़ था मैदान मर और नो डाउट ये चौका भी हो सकता था या कैच भी हो सकती थी लेकिन बहुत ही बढ़िया मुस्तबा इसके बारे में आपकी गुजराए बिल्कुल दो दिन में ये सबसे बेहतरीन मुकाबला रहा दोस्तों आज की शाम का यकीन या मानिए यानी कि आखिर देर तक सबों की